स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, फोर्थ चैप्टर का, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रिंग स्टार्ट कर रखी थी हमने, उसका फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या है। ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल, आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है एल, हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ, अदर एंड अटैच्ड टू ए पार्टिकल, द वेट ऑफ विच इन इक्विलिब्रियम पोजिशन वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू ए लेंथ एल वन। क्या दे रखा है आपके पास कि एक नेचुरल लेंथ एल की आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लिया ये आपके पास है स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितनी है ये एल, और आपने मान लिया ये क्या है आपकी ओ ए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, एक एंड को तो इसका फिक्स कर दिया, दूसरे एंड के ऊपर एक पार्टिकल को अटैच किया। अब पार्टिकल को अटैच करेंगे तो उसका ऑब्वियस सी बात है उसका क्या होगा, वेट भी होगा, जो उसको क्या करेगा नीचे की तरफ लेके जाएगा। आपने क्या मान लिया कि जब आपने पार्टिकल को यहाँ पे अटैच किया तो वो कितना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा। अब इसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगी इस इलास्टिसिटी के कारण, टेंशन, दूसरा क्या लगेगा mg लगेगा जो इसको नीचे की ओर लेके जाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है देखो, विच इन इक्विलिब्रियम पोजिशन वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू ए लेंथ एल वन। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे ही इसको हैंग करोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ आके टी वाला फोर्स और एम जी फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपका जो पार्टिकल है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो ये लेंथ एक्सटेंड होगी वो कितनी होगी आपके पास, एल वन होगी, ठीक है। यहाँ तक का केस था ये। फिर देखो, शो दैट इफ पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एट ओ, ओ पॉइंट से आपने एक पार्टिकल को क्या कर दिया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब देखो, यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप करोगे वो इस पार्टिकल से टकराएगा और इसको क्या करेगा, और नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इट विल कम टू इंस्टेंटेनियसली रेस्ट एट ए डेप्थ ऑफ दिस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या थी आपके पास, ये वाली थी, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करोगे वो क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो आपको क्या शो करना है, ये दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम में कितनी डेप्थ के बाद आए, अंडर रूट ऑफ एल वन स्केयर माइनस एल स्केयर। मान लो इस पोजिशन पे ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो आपको ये डेप्थ इतनी शो करनी है, ठीक है। कैसे करोगे देखो, आपने क्या मान लिया इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओ ए कितनी है आपके पास एल, ठीक है। जैसे ही आपने पार्टिकल को अटैच किया ये कितनी लेंथ बन गई आपकी, ये वाली, ये बन गई आपकी एल वन, यानी कि ओ बी कितना बन गया, एल वन। तो एक्सटेंशन कितनी हुई है आपकी, ये हुई है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, एल वन में से एल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो कितनी होगी, एक्सटेंशन ई इज इक्वल टू एल वन माइनस एल, ठीक है। अब देखो, आपने क्या मान लिया, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास टेंशन है वो कितनी मान ली आपने, टी नोट मान ली। अब पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है तो ये टी नोट और ये एम जी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा भाई। जो नीचे फोर्स लगेगा और जो ऊपर फोर्स लगेगा, अगर वो दोनों सेम हो तो आपका पार्टिकल ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो आपके पास क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, बी पॉइंट के ऊपर आपका अगर टी नोट अगर आपके पास टेंशन है एट पॉइंट बी, और अगर लैम्डा क्या हो आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपके पास देखो क्या आएगा, टी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, टी नोट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, टेंशन क्या होती है, हुक्स लॉ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन कितनी है ई, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, ये कितनी आ जाएगी लैम्डा, E की वैल्यू कितनी है L1 माइनस L अपॉन L। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, mg इज इक्वल टू दिस। यहां से देखो अब आगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एल वन माइनस एल, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस ओ पॉइंट से पार्टिकल को क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप करोगे तो पार्टिकल क्या लेके जाएगा, इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपने क्या मान लिया, जब ये आपका ये पार्टिकल इस ए से नीचे जाएगा और इस बी से भी जब नीचे जाएगा, पार्टिकल तो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, जब आप पार्टिकल को ड्रॉप करोगे ये और नीचे लेके जाएगा, तो आपने क्या मान लिया, पी इसकी कोई एक पोजीशन है टाइम टी पे, और कितने डिस्टेंस के बाद है आपकी, एक्स डिस्टेंस के बाद, ठीक है। पार्टिकल यहाँ था, आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ड्रॉप करोगे वो क्या आएगा, नीचे आएगा। आपने क्या मान लिया, एक्स डिस्टेंस के बाद और टी टाइम के बाद आपके पार्टिकल की पोजिशन क्या है, पी। तो अब देखो, यहाँ पे पी पॉइंट पे आप, इस P पॉइंट पे भी क्या होगा,
टेंशन होगी, एक तो नीचे फोर्स लगेगा mg, दूसरा क्या लगेगा ऊपर टेंशन लगेगी t, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f, m इंटू एक्सेलरेशन, m एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, अब देखो पी पॉइंट पे आके ये स्टॉप नहीं किया यहाँ पे इसने, या ये तो सिर्फ टी टाइम के बाद और एक्स डिस्टेंस के बाद क्या है आपके पार्टिकल की पोजिशन है, तो इस पोजिशन के ऊपर भी आपका फोर्स कौन सा लगेगा, एक तो लगेगा टी, टी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और एम किस में लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो जो टोटल फोर्स होगा आपका वो क्या होगा एम जी डाउनवर्ड है तो क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, और टी क्या है आपका अपवर्ड है तो इसको क्या ले दोगे नेगेटिव ले दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अब एक्सटेंशन कितनी है आपके पास, एक्सटेंशन कितनी है ये है आपके पास एक्सटेंशन, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, कर दो इसकी वैल्यू पुट, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका एल माइनस सॉरी एल वन माइनस एल, और एक्स डिस्टेंस आपका ये, तो जो टोटल एक्सटेंशन है वो कितनी हो जाएगी एल वन माइनस एल प्लस एक्स, यानी कि एल वन माइनस एल प्लस एक्स और अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी एल, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है ये भी हमने निकाल रखी है, इसको इसके अंदर पुट करना और सोल्व करना, सोल्व हो गया आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये आएगी आपके पास डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस जी एल वन माइनस एल इंटू एक्स, अब देखो अगर इसको आप म्यू पुट कर देते हो तो ये क्या बन जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी आपकी, ठीक है, जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अब ये देखो वो किस पॉइंट के अबाउट होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपकी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट बी, क्यों, क्योंकि देखो आपने डिस्टेंस को कहाँ से मेजर किया है, यहाँ से मेजर किया है कि टी टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस के बाद आपका पार्टिकल कहाँ है पी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमने आर्टिकल किया था उसमें यही तो होता था, ये आपका ओ पॉइंट होता था, ये आपकी पोजिशन होती थी पी, कितने डिस्टेंस के बाद एक्स डिस्टेंस के बाद और टी पॉइंट के बाद, तो किसके अबाउट मोशन मानते थे आप ओ के अबाउट, तो यहाँ पे जो आपकी मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके अबाउट होगी, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट अबाउट बी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपका ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, देखो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट लगाना थोड़ा सा, क्या होता था उसके अंदर कि अगर ये आपका ओ था, ये आपके पॉइंट की पोजीशन थी पार्टिकल की पी एक्स डिस्टेंस के बाद टी टाइम के बाद, तो आपका ये पार्टिकल चलते चलते रेस्ट में कब आता था, कितने डिस्टेंस के बाद आता था, जब ये डिस्टेंस आपका क्या बन जाता था एम्पलीट्यूड बनता था, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है आपका तो यहाँ पे पार्टिकल किस में आ जाता था आपका रेस्ट में आ जाता था, तो इसका मतलब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब एम्पलीट्यूड आप किस रिलेशन से फाइंड आउट करोगे, देखो वेलोसिटी के रिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड आता है क्या होता है वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, म्यू आपने निकाल रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स हम निकाल लेंगे कितना आएगा देखेंगे, ठीक है, तो अगर इस रिलेशन में आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब निकालेंगे इसका एम्पलीट्यूड, देखो कैसे निकालोगे, अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट कंसीडर करो ए, ठीक है, जब आपकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है अबाउट पॉइंट पी अबाउट पॉइंट बी, तो जो इधर आपका पार्टिकल जाएगा इधर जाएगा तब भी तो कोई यही सिचुएशन आएगी, तो आपने क्या मान लिया कि किसी टाइम टी के बाद आपका जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट के भी ऊपर होगा, तो उस केस में आपकी जो ये एक्स है ये एक्स कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस, ये टोटल एल वन, एल वन में से एल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा एल वन माइनस एल, तो ए पॉइंट के ऊपर आपका एक्स कितना हो जाएगा एल वन माइनस एल, अब ए पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखो, वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप, आपके पास एक रिलेशन होता है वेलोसिटी का कि वो रिलेशन होता है आपका वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस
टू ए डेल एक्स, जहाँ पे वी एफ तो क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्क्वेयर में होता है ये रिलेशन, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, और डेल एक्स क्या होता है आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो इस ए पॉइंट के ऊपर आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है आप निकाल लोगे, फाइनल वेलोसिटी का मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इनिशियली तो क्या थी उसकी वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए, यानी कि वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस टू ए, इसका स्क्वेयर वेलोसिटी का, टू ए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या लगेगा इस पार्टिकल पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक का एल, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एल। तो अब ए पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी तो ये है और एक्स कितना है आपके पास एल वन माइनस एल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अब कहाँ पे पुट कर दो, इस वाले रिलेशन में पुट कर दो, देखो क्या आएगा। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट टू जी एल, और एक्स कितना है एल वन माइनस एल, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है आपके पास ये। अब ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी भी आपके पास है, एक्स भी आपके पास है, म्यू भी आपके पास है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, एक बार दोबारा से देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया, आपका जो पार्टिकल था यहाँ से ड्रॉप करके इस ये इसकी लेंथ थी एल, ठीक है। एल के बाद जब आपने यहाँ पे पार्टिकल को अटैच किया तो ये कहाँ चला जाएगा, पॉइंट बी के ऊपर, बी के अबाउट आपकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो आप ये लेते थे कि एक्स डिस्टेंस के बाद और टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल पी पोजिशन पे होगा, अगर सेम केस आप इधर की साइड लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, एट टाइम टी एंड एट डिस्टेंस एक्स पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ए के ऊपर होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका एक्स कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्स लेते थे तो एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस टोटल आपके पास एल वन था, एल वन में से एल गया तो कितना बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल वन माइनस एल, और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये। तो इस ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमने क्या निकाल दिया कि जब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए डेल ए या डेल एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, देख लेना फिजिक्स में। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या लगेगी इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, डेल एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट कि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है आपके पास एल, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, जहाँ डाउट आए वो पूछ लेना, तो आपके पास ए क्या आ जाएगी और रिक्वायर्ड डेप्थ आ जाएगी, ठीक है।